अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज हम लोग एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे कुकिंग विद नाज़रीन में आप सब लोगों के साथ। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि आज हम जो से हैं वो उसको कहते हैं टींडे, इसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करने जा रहे हैं। इसकी बड़ी वजह ये है कि हमें किसी ने कमेंट किया था हमारे बहन भाई में से कि हम लोगों ने जब ये रेसिपी बनाई थी तो जो गोश्त है वो बिल्कुल जो सा है वो गल गया था, सॉफ्ट हो गया था, बिल्कुल लेटी सा हो गया था। तो आप हमें बताएं कि हमने कहाँ पर गलती की थी कि जो रेसिपी है हमारी वो ख़राब हो गई थी, जो से ये टींडे थे ये भी सही तरह से प्रॉपर गले नहीं थे और जो गोश्त है वो बिल्कुल लेटी बिल्कुल हलवा हो गया था। तो उसी वजह से आज मैं ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि यहाँ पे ये देखिए इस शेप में मैंने इनको काट लिया। बहुत ज़्यादा आपने बारीक और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं काटना क्योंकि हम लोगों ने इनको बिल्कुल मतलब सॉफ्ट सा कर लेना होता है, बिल्कुल एक जो इसकी ग्रेवी सी हम लोगों ने तैयार करनी है, इसको खड़ा खड़ा नहीं रखना, ठीक है। तो इसके लिए ये है कि पहले आपने इस शेप में काटना है, शेप में काटने की आपको पता नहीं किस शेप में, अगर आप किसी और शेप में काटना चाहते हैं तो आप लोग काट सकते हैं, लेकिन मैंने तो इसको इसी शेप में इतना ही बारीक काटा है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लेना है एक पैन, तो उस पैन के अंदर हम जो से ये मैंने एक किलो जो से वो लिए हैं, ये धोए हुए हम लोग इसके अंदर डाल देते हैं। हाँ, अब मिस्टेक कहाँ पे होती है कि इसके अंदर पानी नहीं शामिल करना, ये सब्ज़ी जो भी आप पकाएंगे उसके अंदर कभी भी पानी शामिल नहीं किया जाता और वो सब्ज़ी खुद ब खुद अपने ही पानी में जो सी है वो तैयार होती है। तो आप लोगों ने यहाँ पे एक तो ये टिप होगी पानी नहीं शामिल करना। दूसरा, मैं सब्ज़ी को बना रही हूँ मटन के अंदर क्योंकि उन्होंने भी इसी के अंदर बनाया था, उनका जो गोश्त है वो बिल्कुल गल गया था लेकिन सब्ज़ी नहीं गली थी। तो एज यू जैसे सबको पता है गोश्त कैसे पकाया जाता है, मतलब नमक, मिर्च, टमाटर, प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के, ये देखें मैंने भी इसी तरह गोश्त जो से पकने के लिए रख दी है, लेकिन अभी इसमें थोड़ी सी कसर है, गोश्त नहीं गला। तो यहाँ पे ही मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। आप लोगों ने जहाँ गलती की थी वो ये था कि आपने गोश्त को जो सा है वो पकाया नहीं था या बहुत ज़्यादा सेपरेटली आपने पका लिया था और जो कि सब्ज़ी वो पकी नहीं थी। तो यहाँ पे आपने दोनों चीज़ों को सेपरेट सेपरेट पकाना है, गोश्त को आपने अलग से पकाना है और जो सब्ज़ी है उसको अलग से पकाना है। तो गोश्त को मैंने थोड़ी सी कसर रख के जो सा वो उसको डन कर लेना है, यहाँ पर ही इसका पानी रिड्यूस करना है और ये फाइनल हो जाएगा। तो सब्ज़ी को भी मैं पकने के लिए रख रही हूँ, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ आपसे क्या गलती हुई थी कि गोश्त गल गया था लेकिन सब्ज़ी नहीं गली थी। बस आप लोग देख सकते हैं कि जौन सा गोश्त बिल्कुल खुश्क हो गया, ठीक है। तो अब मैंने इसी स्टेज पे इसके अंदर जौन सा है वो कुकिंग ऑयल शामिल किया है, वेजिटेबल ऑयल कोई भी आप शामिल कर सकते हैं, अगर घी यूज़ करते हैं तो घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जौन सा वो ऑयल यूज़ करते हैं तो वही मैंने शामिल कर दिया। तो अब इसको अच्छे से हम लोग जौन से भून लेंगे। बस इसकी भुनाई करने के बाद आप लोगों ने जो गोश्त को यहाँ पर ही बस डन कर देना है, इसके अलावा इसको और कुक नहीं करना, और जब तक आपकी सब्ज़ी नहीं तैयार होती आप लोगों ने गोश्त को मज़ीद और नहीं पकाना, यहाँ पर ही आग को जौन सा वो बंद कर देना। तो मैं इसको भूनने के बाद आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने किस स्टेज पे सब्ज़ी के अंदर जो सा है वो गोश्त ऐड करना है। तो मैं इसको भूनने के बाद आपको दिखाती हूँ। अगर अब तक आप लोगों ने वीडियो नहीं लाइक की तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी इतना सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जी। तो व्यूवर्स, आप लोग देख सकते हैं कि सब्ज़ी जो सी है वो खुद ब खुद अपने ही जो इसका नेचुरल वाटर उसके अंदर ही गल रही है। तो मैंने एक दफ़ा आप लोगों को लुक दिखा दूँ कि कितना ये गल चुकी है, ये देखें सॉफ्ट हो रही है, तो कोई मैंने एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर शामिल नहीं किया। तो अब इसके अंदर कसर है, अब थोड़ी थोड़ी ये खड़ी खड़ी सी है, तो मज़ीद इसको हम लोग और पकाते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि जो से टींडे हैं इस स्टेज पे, ठीक है, मैंने मतलब हाफ डन हो गए, इनको उतार दिया चूल्हे से। अब इनको हम लोगों ने इस गोश्त के अंदर शामिल करना है और फिर हम लोगों ने इसको पकने के लिए रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप लोग ने इसी तरह बनाना है, मतलब जिनसे जो मिस्टेक हुई थी वो यहाँ पर आकर ही हुई थी कि उन्होंने किस तरह सब्ज़ी को कितना पकाना है और गोश्त को कितना पकाना है, इसलिए जो सा है वो काम ख़राब हो गया था। आई होप कि अब उनको समझ लग गई होगी। तो अब मैं इन दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद फिर से पकने के लिए रख रही हूँ। अगर आप लोगों को नमक मिर्च चेक करना हो तो आप लोग गोश्त के अंदर वो चेक कर सकते हैं इसी स्टेज पर, क्योंकि इसके बाद जब ये कुक हो जाएगा तो इसके अंदर जो से फिर वो चीज़ें हल नहीं होंगी। तो मैं इसको मिक्स करके पकने के लिए रख रही हूँ और फिर दोबारा आपको दिखाती हूँ। तो व्यूवर्स, आप लोग देख सकते हैं कि जो सी हांडी वो तैयार हो गई है, तकरीबन जो सा है घी साइडों पे आना शुरू हो गया। तो हम लोगों ने इतना इसको मज़ीद पकाना है कि जो सा घी है इसके साइडों पे आ जाए। तो फिर इसके इसको हम लोग डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये तो व्यूवर्स, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अब इसको कर दिया डिश आउट। तो आप देख सकते हैं जो सा गोश्त है वो भी बिल्कुल ठीक है, मतलब बिल्कुल लेटी सा नहीं हो गया और ये आप देख सकते हैं, ठीक है, इतना सॉफ्ट भी हो गया लेकिन बिल्कुल भी हलवा नहीं हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आ रहा है उसके अंदर सब्ज़ी का। तो आई होप कि व्यूअर्स, आप लोग को आज की रेसिपी जो पसंद आएगी, पसंद आए तो अपने फीडबैक दें और हमारे चैनल को भी ना सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो व्यूअर्स, देते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ होंगे दोबारा हाजिर। तब तक के लिए हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, हम आपके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह हाफिज़।